प्यारे बच्चों, ये कहानी है डर्टू और कमांडर सेफगार्ड की। कमांडर सेफगार्ड बच्चों के सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हैं, जबकि डर्टू गंदगी और जरासीम का बादशाह है। देखते हैं डर्टू इस मर्तबा क्या प्लान बना रहा है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बचकर कहाँ जाएगा मुझसे। बस क्या कर रहे हैं, लग जाएगी। क्यों सुनना, तुम बादाम नहीं खाते इसीलिए भूल गए कि किस तरह कमांडर सेफगार्ड ने खुशियाबाद में हमारी पिटाई की थी। कचरा रानी का तो कचरा कर दिया था और अलगम और परिदा का मार मार कर उनका जुलूस निकाल दिया था। लेकिन तुम बुस्तल जरासीम, तुम तो वहां से दम दबा कर भाग गए थे। अब तो पूरी जरासीम की बरादरी में जब भी कोई नन्हा जरासीम रात को रोता है तो माँ कहती है, सो जा बेटा, सो जा, नहीं तो कमांडर सेफगार्ड आ जाएगा। डर तू गंदगी और खलासत का बादशाह। अरे चुप, क्या हाँ तुम जरासीम के बादशाह हो। डर्टी खामोश। मैं हूँ जरासीमों की मालिका डर्टी, जब किसी से नहीं डरती। हर दफा जरासीमों की बिरादरी में मेरी नाक कट जाती है। लगता है तुम्हें कमांडर सेफगार्ड से हारने की आदत हो गई है। तो क्या करूँ, मेरा कोई प्लान कामयाब नहीं होता। बस मैं बताऊं। कौन सुना, तुम बकवास बंद करो। प्लान, इस मर्तबा प्लान तो मैं बनाऊंगी भाभी। हाँ, मैं तुम लोगों को बताऊंगी इस मर्तबा का प्लान। चलो ठीक है, अब तुम्हारी ताकत को भी आजमाते हैं। वैसे भी जिस तरह एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हो सकता है इसी तरह डर्टू की कामयाबी के पीछे डर्टी की वजह हो। बच्चों, एक तरफ तो मलिका जरासीम तबाही और बर्बादी के प्लान बना रही थी, तो दूसरी तरफ प्लैनेट ट्रिकलू पर दुनिया भर के साइंसदान जरासीमों के खात्मे के लिए एक खास इजाद में मसरूफ थे। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो भैया, तजर्बा तो बड़ा कामयाब रहा। चलो आप फौरन कमांडर सेफगार्ड को इसकी इत्तला करते हैं। कमांडर सेफगार्ड, हमने एक फॉर्मूला इजाद कर लिया है, जर्मी शील्ड। वेरी गुड, मुझे पूरा यकीन था जहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े साइंसदान रिसर्च के लिए जमा होंगे वहाँ जरूर कोई बड़ी कामयाबी हमें मिलेगी। जो खाना मांगे ना पानी, मेरी ताकत तो सिर्फ कचरे में है। जितना गलीज कचरा होगा उतनी ताकत मुझ में आएगी और मैं लोगों और बच्चों में इन्फेक्शन फैलाऊंगी। ये है अलगम के बलगम का पटाहा, ये जिसको भी लग जाए वो नजला और जुकाम से ना बच पाए। बस ये फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्हें बताएं कि मैं भी तो खांसी फैलाता हूँ। तुम सुना, बकवास बंद करो और तुम्हारी भाभी जो कहती है उसे गौर से सुनो। मैं हूँ जरासीमों की मलिका डर्टी, जब किसी से नहीं डरती। मेरे साथियों, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कमांडर सेफगार्ड। अब गौर से सुनो, सबसे पहले हमें देखना होगा कि कमांडर सेफगार्ड कहाँ है और क्या कर रहा है। मैं अभी अपने मैजिक बॉल में देख कर बताती हूँ। वो देखे बॉस, कमांडर सेफगार्ड अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ मीटिंग में मसरूफ है। मेरे प्यारे जरासीम, वो लोग सोचते रह जाएंगे और हम अपना काम कर जाएंगे। हाँ बॉस, जल्दी से बताएं किस शहर पे हमला करना है। मैं बताती हूँ नक्शे में देखकर। ये देखो, इस शहर सुकूनाबाद में कितने मजे की जिंदगी है। बॉस वो देखे, एक आदमी पान खाकर सड़क पर थूक रहा है। बॉस थूकना तो अलगम का काम है ना। और इसको देखो, मेरा मजेदार और लजीज बच्चा गाड़ी में से बाहर फेंक दिया। इस बच्चे को देखो, बगैर हाथ धोए खाना खा रहा है। बहुत जल्दी बीमार होगा, बहुत जल्दी बीमार होगा। तो ठीक है, हम अगला हमला इसी शहर पर कर देंगे। अरे साथियों, सुकूनाबाद पर हमले का वक्त आ गया है। एक बच्चे और लोगों को बीमार करना, क्योंकि जब बच्चे दर्द से रोते हैं
तो मुझे बड़ा मजा आता है। अटैक! ऑब्सेशन पर हमारा कंट्रोल जरासीम होगा। फरहान भाई ये देखिए मेरा जख्म ठीक नहीं हो रहा, पकता ही जा रहा है, जल्दी कुछ करें। अच्छा अब परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। आओ कुंचना आओ, कहो क्या खबर लाए हो मेरे घने दोस्त। बॉस हमने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है, कोई खांस रहा है, कोई चीख रहा है, हमने सुकून आबाद को बीमार आबाद कर दिया है। लोग इसी तरह बीमार होते रहे तो सब की तरक्की होगी, सबको बोनस मिलेगा। डॉक्टर अंकल आपका अस्पताल तो मरीजों से भरा हुआ है। फरहान बेटा लगता है इस शहर का हर आदमी बीमार हो गया है। खैर परेशान ना हो, मैं जिशान को अभी देखता हूँ। ये देखो जिशान को भी जरासीमों ने बीमार किया है, ये बहुत खतरनाक है। तुम लोग दवाई लेकर घर जाओ, मुझे डॉक्टरों की मीटिंग में जाना है। खुसूसी बुलेटिन, अभी अभी इत्तला मिली है कि सुकूनाबाद में बहुत ही खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। दीगर तफसीलात के लिए हम अपने नुमाइंदे से राब्ता करते हैं। जी रेहान साहब। जी नाजरीन, इधर सुकूनाबाद में काफी अफरा तफरी का आलम है, अस्पताल मरीजों से भरे। इन बीमारियों की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, जैसे ही कोई इत्तला आती है हम आपसे राब्ता करेंगे। शुक्रिया। ये थे रेहान अलवी सुकूनाबाद से, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए। मौजिज़ डॉक्टर साहिबान, इन जरासीमों से बचने का अब तो एक ही हल नजर आता है, क्यों ना कमांडर सेफगार्ड से राब्ता किया जाए। हाँ ये ठीक है कमांडर सेफगार्ड, हमें आपकी मदद की जरूरत है। सुकूनाबाद में बहुत ही ताकतवर और खतरनाक जरासीमों ने हमला कर दिया। जरासीम कितने ही ताकतवर और खतरनाक क्यों ना हो, मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी भी इस शहर का रुख नहीं करेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं फौरन सुकूनाबाद पहुँचता हूँ। कमांडर सेफगार्ड, आप ये जर्मी शील्ड भी अपने साथ रख लें, हमने इसे सेफगार्ड साबुन में डालकर टेस्ट कर लिया है। इसके इस्तेमाल के बाद लोग जरासीम से महफूज रह सकते हैं दिन रात लगातार। जबरदस्त। भाभी बॉस, अभी चिप्पू हवाई फौज ने इत्तला दी है कि कमांडर सेफगार्ड का हवाई जहाज इसी तरफ आ रहा है, अब क्या होगा। आए, आए। गुन सुनना, क्या तुम बुरी खबरें लाने के लिए डर्टू बॉस की नौकरी करते हो? स्टूपिड, कोई जरूरत नहीं है डरने की, हम सब मिलकर कमांडर सेफगार्ड का मुकाबला करेंगे। कमांडर सेफगार्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फौरन हमारे शहर आ गए। जहाँ जहाँ बच्चों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ फौरन पहुँचाऊंगा। कमांडर अंकल ये क्या है? ये है जर्मी शील्ड। जर्मी शील्ड, आप क्या बोल रहे हो? ये जरासीम से हिफाजत करती है दिन रात लगातार। लगातार जैसे मेरी घड़ी चलती है लगातार, टिक 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 टिक। डॉक्टर दोस्त सबसे पहले मुझे शहर का मुआयना करवाएं। वो देखो डॉक्टर, मेरी ब्लू लाइट में सारे जरासीम नजर आ रहे हैं, अब ये बचकर कहां जाएंगे। प्यारे लोगों, आपके शहर में ये बीमारियां जरासीमों ने फैलाई हैं। बाकायदगी से हाथ धोकर और नहाकर इन जरासीम से बचा जा सकता है। मैंने आपके शहर में अपना जर्मी शील्ड वाला सेफगार्ड साबुन तकसीम करा दिया है, आप लोग उसे इस्तेमाल करके जरासीम से महफूज रह सकते हैं दिन रात लगातार। हाँ, टिक 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 टिक। फिर लोगों ने कमांडर सेफगार्ड के दिए हुए साबुन को इस्तेमाल किया और जरासीमों से निजात पाई। बच्चा बड़ा हर कोई टिक 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 करता फिर रहा था। बॉस, टिक 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 टिक। कौन सुना ये टिक 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 क्या है? ये तो कमांडर सेफगार्ड ही आपको बताएगा। टिक 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 टिक।
ये टिक 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 क्या मुसीबत है। डॉक्टर दोस्त, क्यों ना डर्टू और उसकी फौज से दो दो हाथ हो जाएं? गंदे जरासीमों बाहर आओ। क्या डर गए मुझसे? इस मर्तबा जरासीमों की मलका डर्टी भी आई है। ये तेरी भूल है कमांडर, मैं हूँ जरासीमों की मलका डर्टी, जो किसी से नहीं डरती। अरे ओ कमांडर, ये जो तुम अपने साथ घूमने वाला पहिया लाए हो ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो आजमा लेते हैं किसमें कितना है दम। क्यों कमांडर, कहा था ना इस बार जीत हमारी होगी। कमांडर अंकल, जर्मी शील्ड, टिक 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 टिक। किड्स, आर यू विद मी? क्यों कचरा रानी, आज मैं तुम्हारा कचरा कर दूंगा ताकि तुम लोगों और बच्चों में फिर कभी इन्फेक्शन ना फैला सको। अरे ओ कमांडर, मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कचरे के ढेर से गुजरना होगा। आह तू कमांडर, मैं तुझे अपने तेजाबी बलगम से जला दूंगा। ए गंदे अलगम, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू आइंदा कभी भी मेरे नन्हे दोस्तों में नजला जुकाम नहीं फैला सकेगा। डर्टी भाभी ने तो मरवा दिया, इस बार तो कमांडर सेफगार्ड पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं चला, टिक 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 टिक। मैं हूँ जरासीमों की मलिका डर्टी, किसी से नहीं डरती। तुम्हें भागना है तो भागो, मैं कमांडर सेफगार्ड का मुकाबला करूंगी। आओ डर्टी आओ, सुना है तुम किसी से नहीं डरती। मैं तुझे अपनी ताकत से फना कर दूंगी। गली से निकल लो, जिंदा रहे तो फिर मुकाबला करेंगे। गुर्जुन्ना, मेरे गुन्ने, मुझे भी अपने साथ ले चल। कसम खलासत की कमांडर सेफगार्ड, सुकूनाबाद के लोगों को तो तूने बचा दिया, लेकिन इस दुनिया में लाखों बच्चे हैं जो अपनी सेहत और सफाई का ख्याल नहीं रखते। मैं उन्हें बीमार करूंगा, उन्हें बीमार करूंगा। सुकूनाबाद के लोगों, हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से ये जरासीम इतने ताकतवर हो जाते हैं। हमें चाहिए हम अपनी गलतियों से सबक सीखें और आइंदा हमेशा एक मयारी एंटीबैक्टीरियल साबुन जैसे सेफगार्ड ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ सेफगार्ड ही करता है जरासीम से हिफाजत दिन रात लगातार। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना और ये बात हमेशा याद रखना, सेहतमंद बच्चे ही कामयाब बच्चे होते हैं। थैंक यू कमांडर अंकल, खुदा हाफिज़ बच्चों।